रतन टाटा जी बारे तुम सारे जानते हो, उन्हों का देहांत हुआ रिसेंटली। दोस्तों आपको बता दे, दिलजीत दोसांझ का एक वीडियो उनके कॉन्सर्ट से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के अंदर वो सर रतन टाटा जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें, बीती शाम खबर आई कि रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे, और उसके बाद से ही हर कोई इसे एज अ पर्सनल लॉस ही ले रहा है, क्योंकि वो ऐसे एक ह्यूमन बीइंग थे जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। इनफैक्ट उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इतना ही दोस्त नहीं दोस्तों, दिलजीत ने बीच कंसर्ट के अंदर उन्हें श्रद्धांजलि दी, और इनफैक्ट उनका पूरा जो कंसर्ट था उस दौरान उसे डेडिकेट किया है ऐसे ही लोगों के नाम और रतन टाटा जी के नाम। बहरहाल इस वीडियो को आप खुद ही सुने कि आखिरकार दिलजीत ने क्या कहा, और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दे चैनल देखो देखो। रतन टाटा जी का साढ़े वालों उन्होंने निकी श्रद्धांजलि। रतन टाटा होना तो सानू यही सिख, अज उन्हों का नाम लेना जरूरी मैं इस करके लगा क्योंकि उन्होंने लाइफ हमेशा उन्होंने मेहनत की। मैं अज जिन्ना को उन्होंने बारे पढ़िया सुनिया, मैं अज तक उन्होंने बारे कदे नहीं देखा कि उन्होंने किसी बारे बुरा बोलिया हो। हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ मेहनत की, हार्डवर्क किया, चंगा काम किया, किसी के काम आए। यही लाइफ है, यही जिंदगी है। जे अज असीं उन्हां दी लाइफ तो कुछ सीख सकते हैं रतन टाटा जी तो मतलब यही सीख सकते हैं कि मेहनत करनी, चंगा सोचना, किसी बारे काम आना, बेदाग अपनी लाइफ जी के गए। अज का यह प्रोग्राम चढ़दी कला के नाम, क्योंकि असीं हमेशा चढ़दी कला ही सीखी है, जिस हालात भी रहे हमेशा चढ़दी कला। सो अज का यह प्रोग्राम चढ़दी कला दे